नमस्ते दोस्तों, मैं रागनी अपने यूट्यूब चैनल फैमिली फूड में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सींग की चिक्की। तो देखिए, हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। अब इसमें हम सींग डाल लेंगे, उसके बाद उसको भुनेंगे हम। फिर भुनने के बाद मैं आपको बताती हूँ, भुन जाए तो उसमें चिक्की खाने में बहुत मज़ा आता है। तो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो हम लोग का सींग का चिक्की खाने का मन किया, तो हम लोग सींग की चिक्की बना रहे हैं। अब देखिए, हमारा सींग भुजा गया है। अब मैं बताता हूँ, अब इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए, अब देखिए कितना अच्छा हमारा सींग भुजाया है। और देखिए, अब हम लोग इसमें कढ़ाई चढ़ा दिए, फिर इसमें हम गुड़ का शीरा बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद फिर हम सींग इसमें डालेंगे। अब हमारा देखिए, ऐसे हम छील रहे हैं तौले में लपेट के, इसको हम दबा दबा के ऐसे कर देते हैं, तो हमारा सींग छीला जाएगा। उसके बाद हम तो दोस्तों उसके बाद हम उसको साफ कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा शीरा तैयार हुआ है कि नहीं। अभी तो पानी में डाल के दोस्तों एक बार देखा जाता है तो कड़क रहता है, तो उससे चिक्की हमारी अच्छी बनती है दोस्तों। तो आप देखिए कि चिक्की पानी में डाला गया है शीरा, तो हमारा देखो शीरा कड़क हो गया। अब तैयार हो गया है सींग डालने के लिए दोस्तों। अब हम इसमें सींग डाल दिए हैं, तो फिर देखिए आप। तो हम इसमें लपेटा जाए सब। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे हम लोग तेल लगा लेते हैं। हमारे पास वो नहीं है बनाने वाला पीड़ा नहीं दोस्तों, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही बनाए बनाए। देखिए दोस्तों, अब हमारा सीरा एकदम से हमारा चिक्की तैयार हो गया है। देखते रहिएगा। अब हम देखो, अब नीचे गिरा दिए। इसके बाद हम गोल गोल कर लेंगे हाथ से अपने, फिर इसको हम बेलन से बेलेंगे दोस्तों। तो आप देखिए कितना अच्छा बना है हमारा सींग का चिक्की दोस्तों। इतना क्रिस्पी बना है, इतना अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। अब हम इसको गोल गोल कर लेते हैं, फिर बेलन से बेलते हैं दोस्तों। तो थोड़ा पतला होता है तो अच्छा लगता है, कुरकुरा लगता है सींग का चिक्की खाने में दोस्तों। बहुत मज़ा आता है खाने में। तो देखिए दोस्तों, हमारा कितना अच्छा बेला रहा है। और तो आप देखते रहिए दोस्तों। देखो, देखिए आप। तो दोस्तों देखो, हम हाथ के सहायते से ये सब अपना गोल गोल करके और बेलन से बेलते जा रहे हैं। ये हमारा चिक्की का सींग का चिक्की देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कलर भी कितना अच्छा आया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा देखिए, अब थोड़ा सा कड़क हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको उचारेंगे। तो आपको दिखाते हैं कितना अच्छा बना है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, खाने में भी कितना अच्छा लगेगा और टेस्टी भी रहेगा दोस्तों। सींग का चिक्की खाने में अच्छा लगता है ठंडी में दोस्तों। सब सींग का चिक्की, तिल का चिक्की ज़्यादा ही बनाते हैं ठंडी में। ठंड के मौसम में बहुत अच्छा लगता है सींग का चिक्की, मुमरा और दोस्तों तिल का चिक्की, सब चिक्की बनती है, अच्छा लगता है ठंड के मौसम में। तो हमारा देखिए दोस्तों, हमारा सींग का चिक्की तैयार हो गया है। अब बेलन के सहायते से इसको थोड़ा 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 लंबा करेंगे दोस्तों। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप देखते रहिएगा दोस्तों। अब हम देखो कितना अच्छा बेला रहा है हमारा। थोड़ा से हाथ के सहायते से हम इसको गोल कर लिए हैं, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के दोस्तों। तो हम लोग इसको बेल रहे हैं, तो आप देखते रहिएगा। अब थोड़ी देर में हमारा थोड़े से कड़क हो जाए, उसके बाद हम उचारते हैं इसको। तो आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, हमारा कड़क हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी से, देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है दोस्तों सींग का चिक्की। तो आप देखते रहिएगा। देखो
इतने अच्छे से हम चाकू के सहायते से उचार रहे हैं। इसको देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, खाने में एकदम क्रिस्पी रहेगा दोस्तों, एकदम अच्छा लगेगा खाने में, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हम लोग को चिक्की बहुत पसंद है, इसलिए हम चिक्की बहुत ही बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी चिक्की तैयार हो गई है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।